खातिन हज़रात, नेशनल फिल्म अवार्ड पे आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ साल पहले हमारी फिल्म इंडस्ट्री का ये हाल था कि बहुत से एक्टरों ने दूसरा कारोबार शुरू कर दिया था। एक बहुत मशहूर एक्टर, उन्होंने एक एजेंसी ले ली थी पेस्टिसाइड्स की। बहुत से सिनेमा घर बंद होकर टूटने शुरू हो गए थे और सबका ख्याल ये था कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। ऐसे मौक़ों पे मेरे एक बहुत मोहतरम दोस्त जो वहाँ बैठे हुए हैं, वो नूर मीम राशिद की एक नज़म पढ़ा करते हैं जो ऐन फिल्म इंडस्ट्री के मुताबिक है। उनकी इजाज़त से उसका एक टुकड़ा अर्ज करना चाहता हूँ। अनकही से डरते हो, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, उस घड़ी की आमद की आगही से डरते हो। शहर की फसीलों पर देव का जो साया था पाक हो गया आखिर, रात का लिबादा भी चाक हो गया आखिर, खाक हो गया आखिर। अजदहा में इंसान से फर्द की नवा आई, ज़ात की सदा आई, राह शौक में जैसे राह राव का खून लपके, एक नया जुनून लपके। आदमी छलक उठे, आदमी हंसे देखो, शहर फिर बसे देखो। तुम अभी से डरते हो, हाँ अभी तो तुम भी हो, हाँ अभी तो हम भी हैं, तुम अभी से डरते हो। तो हालात कभी भी इतने बुरे नहीं हुए। हमारी फिल्म इंडस्ट्री की इस साल गोल्डन जुबली है क्योंकि पहली फिल्म 1948 में रिलीज़ हुई थी। जैसे पाकिस्तान का हाल रहा है वैसा ही हमारी फिल्म इंडस्ट्री का हाल रहा है। कभी ऊंचाइयाँ, कभी पस्तियाँ, कभी चरबा साजी, कभी अच्छी फिल्म साजी। एक शोबे में हमसाया मुल्क ने हमसे बहुत चरबा साजी की है, वो है शोबा मौसीकी। फिल्मों में ऐसे ऐसे गाने गाए गए, ऐसी धुनें बनी, ऐसे ऐसे गीत लिखे गए कि तब से हमारे दिलों में रचे हुए हैं और आज तक हमारे दिलों में धड़कते हैं। आप सबको मालूम है कि मलका तरन्नुम नूर जहाँ की कितनी कंट्रीब्यूशन है हमारी इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो एक्टिंग हो या सिंगिंग हो, और कितने साल उन्होंने खिदमत भी की है और उनकी वजह से इस अरूज पे एक ख़ास हिस्सा हमारी फिल्म इंडस्ट्री का पहुंचा है। मैडम की एक बेटी भी हैं, जब वो नहीं गाती थी तब भी हमें पसंद थी और काफ़ी पसंद थी। अब वो गाती हैं तो उससे भी ज़्यादा अच्छी लगनी शुरू हो गई हैं। जिल्ले हुमा मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ। बहुत खुशी हुई आप लोगों ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी मेरी माँ की वजह से। माँ का एक गाना आपके सामने सुनाऊँगी, उम्मीद है आप लोग पसंद करेंगे। मेरे साथ मुआवनत कर रही हैं आज अवार्ड सेरेमनी में इफ़त रहीम, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ़ लाएं। नेशनल अवार्ड 97 का ये सिलसिला हम उस शोबे से शुरू कर रहे हैं जो फ़िल्म को खूबसूरत और जानदार बनाने के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये शोबा है फ़िल्म एडिटिंग का। इसकी जो 3 नॉमिनेशंस हैं, मुश्ताक मिर्ज़ा फॉर फिल्म कर्ज, ज़ेर-ए-दुल्फ़ी दीवाने तेरे प्यार के। ज़ेर-ए-दुल्फ़ी अगेन फॉर फिल्म संगम। और अवार्ड देने के लिए हम दावत देते हैं चेयरमैन नेफटेक सरदार आदिल उमर साहब को। An award goes to Zere-dul-Fi for film दीवाने तेरे प्यार के। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगला शोबा कौन सा है? दिस इज बेस्ट साउंड रिकॉर्डिस्ट। नॉमिनेशन फॉर दिस कैटेगरी आर अदरीस भट्टी फिल्म दीवाने तेरे प्यार के, एम सईद फिल्म कर्ज, ज़हूर अहमद फिल्म संगम। अवार्ड देने के लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ सेठ निसार साहब के, वो तशरीफ लाएं स्टेज पे और अवार्ड दीजिए। आइए जी। एन अवार्ड गोज टू अदरीस भट्टी फिल्म दीवाने तेरे प्यार के। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप सब लोगों का कि मुझे इस काबिल आपने समझा और मुझे अवार्ड दिया। शुक्रिया। हम जो आइटम अब आपको पेश करने वाले हैं वो एक नया टैलेंट है जो एकदम उभरा है और जिसे स्टारडम फॉरेन से पेशतर मिल गई है। उनके वालिद साहब अपने वक्त में कहा जाता था कि स्पिन बॉलिंग के दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। बहुत स्टाइलिश आदमी और जो जो बुज़ुर्ग हो रहे हैं और भी स्टाइलिश हो रहे हैं। हमारे दोस्त बड़े भाई शफकत राना के बेटे मोमी राना, साउंड रिकॉर्डिस्ट का जब अवार्ड मिल रहा था मेरे बहुत से दोस्त सोहेल भट्ट साहब बैठे हैं, सैयद नूर साहब बैठे हैं वहाँ, और गुजारिश सिर्फ ये है कि साउंड रिकॉर्डिंग तो बड़ी अच्छी होती है, लेकिन जो मुक्के की आवाज़ आती है फिल्म में, वो मैं आज तक नहीं समझा कि वो साउंड आप कहाँ से लाते हैं। तो बराए करम इस अवार्ड के बाद मेहरबानी करके मुक्के ठीक से पढ़ने चाहिए और डिजर्वडली पढ़ने चाहिए। कि एक औरत की शादी हुई, तो शादी के कुछ महीनों बाद वो अपनी सहेलियों से मिली, तो सब ने कहा अरे बाबा शादी के बाद तो तुम बहुत अच्छी लगने लग पड़ी हो, जो तुम्हारी खामियां थीं वो सब दूर हो गई हैं, तो ये कैसे हुआ? तो उसने कहा मेरे शौहर फिल्म एडिटर हैं। ये मेरा नहीं, फ़ारूक कैसर का। जी, व्हाट इज़ द शो? अगला शो है जी बेस्ट डिज़ाइनर का। एक ज़माने में आपको याद होगा जब हम पाकिस्तानी फिल्में देखा करते थे, और ये सोहेल भट्ट साहब आपके वक्त से पहले किए, तो जब वो पीछे, यूसुफ खान साहब आपको याद है पुरानी फिल्में, तो पीछे जो घर बना होता था जब वो पंखा चलता था तो सारी दीवार आगे पीछे हुआ करती थी, याद है ना वो वक्त। अब वो सेट डिज़ाइनिंग वैसे नहीं होते, अब बहुत से पैसे खर्च किए जाते हैं, बल्कि बहुत सा ज़र मुबादला मॉरिशस जाके खर्च कर देते हैं हमारे प्रोड्यूसर। जी, नॉमिनेशंस हैं इस्लाम शहाबी फॉर फिल्म कर्ज, इस्लाम शहाबी अगेन फिल्म उमर मुख्तार, नवाज तालिब फॉर फिल्म संगम, और अवार्ड देने के लिए हम दावत देंगे जेबा बख्तियार को। शहाबी फॉर फिल्म कर्ज। फैज़ साहब एक ख़ास जगह से वापस आ रहे थे, वहाँ के एक लीडर ने उनसे कहा कि फैज़ साहब आपने बहुत लोगों पे नज़में लिखी हैं, हमने अपने मुल्क के लिए बहुत काम किया है, आप हम पे कुछ नहीं लिखा आपने आज तक। जो फैज़ साहब कराची पहुँचे तो उन्होंने एक नज़म लिखी, जो बहुत गज़ल लिखी जो बहुत मशहूर हुई है, उसके चंद ऐसे हैं कि कब नज़र में आएगी बेदाग सब्ज़े की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद, और थे बहुत बेदर्द लम्हे ख़त्म दर्द इश्क के, थी बहुत बेमहर सुबहें मेहरबां रातों के बाद, और दिल तो चाहा पर शिकस्ता दिल ने मोहलत ही न दी, कुछ गिले शिकवे भी कर लेते मुनाजातों के बाद, और उनसे जो कहने गए थे फैज़ जहाँ सदका किए, अनकही ही रह गई वो बात सब बातों के बाद। वो खून के धब्बे धुलाने के लिए हमारे दिलों में बहुत साल उन्होंने राज किया, हमारे भाई और मुल्क है, हमसाया मुल्क है, हमारे उनसे बहुत ताल्लुक़ पहले भी थे आज भी हैं। बांग्लादेश से रूना लैला। अगला शोबा है बेस्ट कैमरा पर्सन। इसके नॉमिनीज़ हैं आफ्ताब अहमद फिल्म कर्ज, आकिफ मलिक फिल्म दीवाने तेरे प्यार के, वकार बुखारी फिल्म संगम। अवार्ड देने के लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ, मेरे बुज़ुर्ग हैं गार्ड फिल्टर्स के चेयरमैन, मेरे दोस्त के वालिद साहब मलिक मोहम्मद शफी साहब। आकिफ मलिक फिल्म दीवाने तेरे प्यार के। थैंक यू जी। एक ज़माना वाकई था, हमारे मलिक साहब कहेंगे, मलिक आहद साहब बैठे, उनको याद होगा कि जूजू फिल्म चलती थी, स्टोरी साथ साथ लिखी जाती थी और पूछते थे कि आज की करना है, तो कैसे आज 12 दरी चलने हैं, तो कल के करना है, उनको आज नूर जहाँ मकबरे तो चलना, वहीं बैठ के लिखा जाए। लेकिन वो बड़ी पुरानी बात है, अब हम बहुत तरक्की कर चुके हैं। अब हम स्टोरी फिल्म की पहले लिखते हैं और आम तौर पर लिखने वाले को मुआवजा भी उसका दे देते हैं। जी पढ़िए अच्छी। बेस्ट स्टोरी स्क्रीन प्ले के लिए जो 3 नॉमिनेशंस हैं, खलील-उर-रहमान, फिल्म कर्ज। आपके क्या लगते हैं बेरे? रुखसाना नूर, फिल्म संगम। आप अच्छी लगती हैं। तुम्हें कोई और काम नहीं है? हाँ? सैयद नूर, फिल्म दीवाने तेरे प्यार के। अवार्ड देने के लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ अपने मोहसिन डॉक्टर जस्टिस सेनेटर जावेद इकबाल को कि वो तशरीफ लाएँ और अवार्ड दें। आइए सर। And award goes to Rukhsana Noor for film मैं अपने पहले ही सक्रिप पे इस इनाम पे अपने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ और आपकी पसंदीदगी का शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू। अगला शोबा है बेस्ट डायलॉग्स। इसकी नॉमिनेशंस हैं अनवर मकसूद, फिल्म दीवाने तेरे प्यार के। खलील-उर-रहमान, कर्ज। और वो नवाबजादी यहाँ सोने के लिए आई है। सैयद नूर, संगम। पहले वाकई कोई काम नहीं था, अब है। An award goes to खलील-उर-रहमान for film कर्ज। My Lord, He bestowed me with this award only on the first of my writing of the film. Thank you very much. ख़वातीन हज़रात, 2-3 बातें मैं कहनी भूल गया, वो मैं अभी अर्ज़ कर दूँ। सेंटर डॉक्टर जावेद इकबाल भी उस जूरी के मेंबर थे और तरीका ये था कि एसोसिएशंस ने फिल्म्स रिकमेंड की, तमाम जूरी मेंबरान ने वो फिल्म देखी, अपनी अपनी राय कायम की, डाटा भरा, वो एक अकाउंटिंग फर्म के पास गया और जो जो उनकी राय थी उसके मुताबिक ये अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं। इन अवार्ड्स में कोई जीत या कोई हार नहीं होती, इन अवार्ड्स का मकसद सबको इज्जत देना होती है। दूसरी बात जिसका जिक्र सोहेल भट्ट साहब बहुत ज़ोर से कर रहे हैं वो ये है कि जो मेजर अवार्ड्स हैं या कैटेगरीज़ हैं हर अवार्ड के साथ 50-50 हज़ार रुपया कैश भी है और जो दूसरी कैटेगरीज़ हैं उनके साथ 25 हज़ार रुपया अवार्ड है और जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है उसमें भी 50 हज़ार रुपया रेसिपिएंट्स को मिलेगा। मेरा तो ख्याल ये था कि अवार्ड खुद ही इतना होता है कि पैसे ना भी मिलें और अगर कोई रेसिपिएंट वो अवार्ड जो है वो पैसे जो हैं वो अकेडमी को देना चाहे तो चेयरमैन नेफडेक और मेरे वज़ीर बहुत खुश होंगे वो पैसे लेके ताकि अकेडमी बन जाए। अगर ख़ुद खाना चाहें तो वो भी ठीक है। एक गवर्नमेंट कॉलेज से एक साहिब हैं, उन्होंने सैयद नूर साहब की फ़िल्म जो भी वो फिल्म थी उसमें पहला ही गाना गाया, उससे हिट हो गए हैं। आ प्यार दिल में जगह, आ प्यार दिल में जगह, बहुत खुशअक्ल आदमी हैं। उनकी नई एल्बम आई है वारिस बेग, ने एक नावल लिखा था पैसेज टू इंडिया। बहुत साल बाद नीरज सिंह चौधरी साहब ने एक नावल लिखा है पैसेज टू इंग्लैंड। पैसेज टू इंडिया में एक रोल था डॉक्टर अजीज़ का, वो एक हमारे बहुत मोहतरम दोस्त ने किया। वो ऐसा रोल था कि जिसने उनको स्टारडम की तरफ ले गया वेस्टर्न फिल्म्स में। उसके बाद बहुत से किरदार उन्होंने अदा किए, आपने शायद कुछ देखे हों, मसलन लॉरेंस ऑफ अरेबिया में थे। स्टेज पे बहुत काम किया, पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया और पाकिस्तानी टेलीविज़न पे जब वो आए और उनने सबसे पहले शो किया तो ऐसी छाप लगा दी टेलीविज़न शोज़ पे कि हर शख्स उन्हीं का शो कॉपी करने की कोशिश करता है। लाहौर शहर में और अब दूसरे मुल्कों में भी वो रेसिटेशन करते हैं, पढ़ते हैं उर्दू में। और मैं हमेशा कहता हूँ जिनको उर्दू से मोहब्बत है या उर्दू सीखना चाहते हैं वो उनकी रेसिटेशन जाके सुने। मैं बहुत उनका एहतराम, उनसे मोहब्बत करता हूँ। जब भी उनसे मिलता हूँ, जो शाम उनके साथ गुजारता हूँ, कुछ ना कुछ सीख के आता हूँ। मसलन वो गालिब पे बहुत अबूर लगते हैं और ये एक शेर मुझे बहुत सुनाते हैं कि महफिलें बरहम करे है गंजफा बाज ख़याल हैं वरक गर्दानिए नरंगे यक बुतखाना हम। The one and only Zia Mohiuddin. अजीजों, दोस्तों, मुझसे दरख्वास्त की गई थी और कहा गया कि मैं यहाँ हाजिर हूँ, मैं हो गया। मैं आपको अगर ये कहूँ कि ये निस्फ सदी का किस्सा है तो आप कहेंगे कि मैं बहुत दकियानूसी बात कर रहा हूँ, और वाक़या ये है कि निस्फ सदी का किस्सा भी नहीं है। आज से कोई 25 बरस पहले मुझसे कहा गया कि मैं एक फ़िल्म में काम करूँ। चुनांचे मैं स्टूडियो पहुँचा जो वक्त मुझे दिया गया था, और मैंने देखा कि अभी उस वक्त झाड़ू देने वाले भी वहाँ नहीं पहुँचे थे। ये वो ज़माना है जबकि बड़े सितारे का उसकी बड़ाई को नापा जाता था कि वो मुकर्रा वक्त से 2 घंटे बाद आते हैं या 3.5 घंटे बाद। मैंने देखा कि एक नौजवान, मैं भी उन दिनों में नौजवान था, जो मेरे साथ आके बैठ गए, झाड़ू देने वाले अभी नहीं आए थे। तो वही साहब हैं कि जो गालिब का मिसरा है कि नदीम दोस्त से आती है बुए दोस्त, नाम उनका नदीम था। और मैंने देखा कि उनकी अपने काम से लगन का ये आलम था और एक तरह से अपने काम से वफादारी की ये बात थी कि वो ऐन वक्त पे वो मौजूद थे और कोई नहीं था। आज उनको एक बहुत बड़ा एज़ाज़ दिया जा रहा है और वो एज़ाज़ उनकी ज़िंदगी भर के काम का है। मैं समझता हूँ कि एज़ाज़ उन्हें इसलिए मिल रहा है कि उन्होंने अपने काम से अपनी वफादारी, अपने काम से लगन और अपने काम की सच्चाई का एहसास हमेशा अपने पास रखा। आज एक बहुत बड़ा एजाज़ दिया जा रहा है इस मुल्क के मायानाज अदाकार को, और वो आपके हाथों दिया जाएगा। इस बात कहने के बाद मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया। तो जनाब, ये एजाज़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये दिया जा रहा है मेरे दोस्त और इस मुल्क के बहुत बड़े अदाकार जनाब नदीम साहब। इससे पहले कि मैं नेशनल फिल्म अवार्ड की ज्यूरी का या उनके मेंबरान का शुक्रिया अदा करूं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उस शख्सियत का जिनके हाथों से मुझे ये अवार्ड मिला है। ये मेरे लिए इस अवार्ड से बड़ा एजाज़ है क्योंकि मुझसे बहुत बड़े फनकार, मुझसे बहुत बड़े अदाकार और एक बहुत बड़े फॉर्मेट के लिए काम करने वाले ज़िया मोहिउद्दीन साहब ने जो कुछ मेरे लिए कहा वो मेरे लिए, मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ यही मेरा सही लाइफ अचीवमेंट है। मैं दिल की गहराइयों से ज़िया साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरी खुशनसीबी थी कि मैंने एक फ़िल्म में ज़िया साहब के साथ काम किया जिसका जिक्र अभी ज़िया साहब ने किया, सुहाग, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इनसे कुछ सीखता क्योंकि मैं बदकिस्मती से किसी एकेडमी या किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एज एन एक्टर कहीं ट्रेनिंग हासिल नहीं की और मैं करना चाहता था, मैं सीखना चाहता था और अभी तक जो कुछ ये सफ़र मेरा जारी है मैं सीख ही रहा हूँ। आया तो कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी मुझे अवार्ड मिल गया है लाइफ अचीवमेंट का, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ज़िया साहब से बहुत कुछ सीखूँ लेकिन हमारी बदकिस्मती, मैं समझता हूँ हमारी इंडस्ट्री की बदकिस्मती कि हमने ऐसे लोगों से वो इस्तिफ़ादा या वो फ़ायदा नहीं उठाया जो हमें उठाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल आज खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान में फ़िल्म एकेडमी बनने चली है, बनने का एक कदम, पहला कदम उठ रहा है जिसकी हमें बरसों से ख्वाहिश थी। हर हुकूमत से हमने इस बात की दरख्वास्त की थी कि हमें एक एकेडमी चाहिए जहाँ से हम सीख सकें, काम को समझ सकें और फिर आप तक बेहतर काम पहुँचा सकें। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आज जो ये काम शुरू हो रहा है खुदा करे कि ये जल्द एकेडमी मुकम्मल हो, हमारे हिस्से में ना सही, आने वालों के हिस्से में से ही वो बाकायदा सीख कर और बेहतर काम तो कर पाएंगे। मैं ज्यूरी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। लेकिन इस अवार्ड में ये सिर्फ मेरा अवार्ड नहीं है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने तमाम प्रोड्यूसर्स का, अपने तमाम डायरेक्टर्स का, अपने तमाम राइटर्स का, अपने तमाम कलीग्स का जिनके साथ मैंने इतने बरसों काम किया और अपने तमाम टेक्नीशियंस का, मेरे लाइट बॉयज़ का, सबका, जिनकी वजह से आज मैं इसका मुस्तहिक करार पाया। तो ये जो कुछ भी मैंने अचीव किया है ये उन्हीं सब की कोशिशों से और उनकी मोहब्बतों से और उनकी दुआओं से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एक बार फिर आप सब लोगों का और जूरी का जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली कैटेगरी है बेस्ट लिरिसिस्ट सॉन्ग राइटर की। नॉमिनेशंस हैं खलील-उर-रहमान फिल्म कर्ज, एक पल की खुशी एक पल की हंसी, एक पल की ख्वाजा परवेज फिल्म दिल किसी का दोस्त नहीं। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी रुखसाना नूर, फिल्म संगम। और अवार्ड देने के लिए हम दावत देंगे हमारी इंडस्ट्री की सदाबहार शख्सियत बहार बेगम को। अवार्ड मिला है रुखसाना नूर, फिल्म संगम। अब तो वाकई मुझसे कुछ कहा नहीं जाएगा, लेकिन स्पेशली संगम के लिरिक्स पे जो मुझे ये अवार्ड मिला है उसमें मैं बहुत ज़्यादा हिस्सादार समझती हूँ अपने म्यूज़िक डायरेक्टर अमजद बॉबी साहब का, कि जिन्होंने पोइट्री तो मैं पहले भी करती थी, लेकिन उन्होंने मुझे आमादा किया कि मैं फ़िल्म के गाने लिखूं। और नूर साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने भी मुझे मौका दिया कि मैं फ़िल्म के गाने लिखूँ। थैंक यू वेरी मच। अगली कैटेगरी है बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर की। इसकी 4 नॉमिनेशंस हैं। अमजद बॉबी, फिल्म संगम। एम अरशद, फिल्म दिल किसी का दोस्त नहीं। अशरफ, वाह क्या बात है। यार की निशानी प्यार की, मोहब्बत मिल गई मुझे दिलदार की, जब चुनरी को। अमजद बॉबी अगेन, दीवाने तेरे प्यार के। एक है लाखों में, वो रहता है पलकों में, उसे देखा नहीं उसे सोचा तो। And the winner is Amjad Bobby for film Sangam. बहुत-बहुत शुक्रिया जनाब। मैं अपने डायरेक्टर साहब सैयद नूर साहब, रुखसाना जी, अपने कोलीग्स, अपने सिंगर्स, अपने म्यूजिशंस, अपने जिन लोगों ने आर्टिस्ट, जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया, जिनके साथ मैंने काम किया और जिन्होंने मुझसे काम लिया, मैं उनका शुक्रगुजार। थैंक यू। जो लोग बहुत दूर से सफ़र करके आएँ, ये मुनासिब नहीं कि उनसे एक ही दफ़ा दरख्वास्त की जाए कि वो स्टेज पे आएँ। तो अगर आप दरख्वास्त करें तो शायद वो वापस आ जाएं। तशरीफ़ लाती हैं दोबारा रूना लैला। ओ मेरा बाबू छे छबीला में तू नाचूंगी। बेस्ट मेल सिंगर की। अनवर रफ़ी, फिल्म दिल किसी का दोस्त नहीं। कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं। आसिफ मेहदी, दिल किसी का दोस्त नहीं। वारिस बेग संगम। प्यार जगा समा तुझको कसम जाना आगे और अवार्ड देंगी रूना लैला। Award goes to वारिस बेग for film संगम। Good evening। मैं सोचता हूँ award मिलना तो एक बहुत खुशाइन बात है, लेकिन इसके बाद आर्टिस्ट के ऊपर एक मज़ीद बोझ पड़ता है कि वो अच्छा काम करे मज़ीद। तो मैं कोशिश करूँगा मैं अच्छा काम करूँ। इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सैयद नूर साहब का और अमजद बॉबी साहब का, यहाँ बैठे हैं, उन्होंने मुझे चांस दिया। मैं एक छोटी सी बात बताऊँगा, जब मैं ये गाना गाने गया इस फिल्म के लिए तो सैयद नूर साहब ने कहा मेरी फ़िल्म के लिए एक गाना गाएँगे। तो जिस दिन रिकॉर्डिंग थी तो बॉबी साहब ने कहा जी आप गाएँगे गाना, मैं कहा जी मैं गाऊँगा। तो उन्होंने कहा अच्छा चले आप गाएँ। तो आप बिलीव करें उस दिन मैंने 4 गाने रिकॉर्ड करवाए और दिस इज़ रिकॉर्ड इन पाकिस्तान। और नूर साहब आए और कहते हैं जी आपने गाने भी गा दिए हैं, मुझे मैं सोचता भी रेसल होगी। तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, नूर साहब का, ना वो मुझे ये चांस देते और बॉबी साहब का, और ना मैं इधर होता। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट सिंगर फीमेल हुमैरा चन्ना फिल्म संगम। क्यों चुप हो क्यों हो खोए खोए, क्यों रूठे हो क्यों हो रोए रोए। सायरा नसीम फिल्म संगम। दिल तोड़ के न जा मुझे छोड़ के न जा, दिल तोड़ के न जा। शाजिया मंजूर दीवाने तेरे प्यार के। वो एक है लाखों में, वो रहता है पलकों में, उसे देखा नहीं। ये अवार्ड भी रूना लैला ही देंगी। इट गोज टू सायरा नसीम फॉर फिल्म संगम। सबसे पहले तो मैं साहब को सलाम हाजिर करती हूँ। उसके बाद मैं बता नहीं सकती कि मेरी क्या फीलिंग है आज, क्योंकि ये अवार्ड बहुत बहुत ख़ास अवार्ड है। तो मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ास करके आवाम की जिन्होंने मुझे पसंद किया, और सैयद नूर साहब की, रुखसाना जी की जिन्होंने ये गाना लिखा, और अमजद बॉबी साहब की। थैंक यू। हमारे हॉल में एक बहुत ही टैलेंटेड शख्स बैठे हैं। जब उन्होंने पहली फिल्म बनाई वो सुपर हिट हुई, बेशुमार उसके बाद उनकी फिल्में हिट और सुपर हिट हुई हैं। स्टेज पे उनका बहुत नाम है। एक ज़माने में तो ड्रामे, अब भी ड्रामे की ज़मानत थी, उनका ड्रामे में होना या ड्रामा लिखना। मैं गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएँ उमर शरीफ। जज्बा हुब्बुल वतनी, नेक नियति और क़ुव्वत बर्दाश्त से आप प्रोग्राम को देख रहे हैं। रब ताला आपकी इस मेहनत को रायगा नहीं देगा और इंशाल्लाह अगले साल आप लोगों को भी नेशनल अवार्ड्स दिए जाएंगे। नेशनल अवार्ड की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, सबसे पहले मैं इंतहाई मौज़ीज़ मेहमानों को सलाम कर लूँ। हमारी फील्ड के जो मिनिस्टर हैं, इंतहाई मेरे फेवरेट मिनिस्टर हैं, और हर दौर में इनकी गुफ्तगू बड़ी ही जानदार, और मैं बहुत पढ़ता हूँ इनके बयानात, और मेरे बहुत फ़ैन होंगे, लेकिन मैं शेख साहब का बड़ा फ़ैन हूँ। बहुत बड़ा, मेरे से बड़ा इनका कोई फ़ैन नहीं होगा। मेरा मैं भी कभी मिनिस्टर बना तो इंशाल्लाह इसी तरह बनूंगा, इंशाल्लाह मैं इनको फॉलो करूंगा इंशाल्लाह सियासत में। हेलो जी, डर के माइक बंद ना करो, ये जमहूरियत है। यहाँ जिस तरह का मैं देख रहा हूँ, जो भी फनकार आए हैं, स्पेशली मैं नदीम साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी इतनी पूरी ज़िंदगी पर उन्हें उनकी ज़िंदगी में ही अवार्ड मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। ये भी एक खुशाइंद बात है और हुकूमत जो हमारी मौजूदा हुकूमत है वो इस बात पर इंतहाई मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है कि उन्होंने कम से कम फ़नकारों को उनकी ज़िंदगी में अवार्ड को वसूल कर दिए, वरना अक्सर फ़नकारों के बच्चे ही अवार्ड वसूल करते रहे। यहाँ जिसे भी अवार्ड मिला है उसकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है कि उनमें से मैक्सिमम जो अवार्ड विनर्स हैं उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, सैयद नूर का किया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम उन्हें खौफ हिदायतकार तो है। जिया मोहिउद्दीन साहब को ज़िंदा देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। उसकी वजह यह थी कि मैंने इन्हें देखा ही आज पहली दफ़ा है, वजह लाइव, यानी लाइव देखा है। वैसे तो मैं इनका, मैं क्या पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया इनकी जो है शख्सियत की परस्तार है। इतनी खूबसूरत अंदाज में उर्दू बोलते हैं, उर्दू को ज़िंदगी दी हुई है, वरना सब तो उसे मारने पे तुले हुए हैं। ये एक कितनी खूबसूरत उर्दू बोलते थे। और मैं इनका प्रोग्राम बहुत छोटा होता था, मैं कोई इतना बड़ा नहीं हूँ जिया साहब, तो मैं यकीन कीजिए बहुत खूबसूरत प्रोग्राम होता था ज़िया मोहिउद्दीन शो, मैं बड़ा उसको एंजॉय करता, बहुत अच्छा। उसमें इनका एक अंदाज़ बड़ा खूबसूरत था, जैसे अभी आपने आकर के बात की कि मैं मुंतज़मीन से ये कहना चाहता हूँ कि वो जो छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं, ये खूबसूरत अंदाज़ को जब ये बोलते थे, मैं इतना मुझे प्यार आता था। और आज मैं इंशाल्लाह यहाँ से उतर के प्यार करके ही जनाब को जाऊँगा। अखबार वाले चाहें तो इसकी तस्वीर भी ले सकते हैं और इसको सेंसर भी नहीं किया जाएगा। मुझे एक खुशी और अच्छी हुई यहाँ पर कि यहाँ पे जितने हीरो भी आए उन्होंने बहुत खूबसूरत डांस किया और लड़कियों की कमी महसूस नहीं होने दी। मैं मोमी राना से मुस्तकबिल में रीमा की सलाहियतों की उम्मीद रखता हूँ। सेंसर वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरा बड़ा दिल था मैं पहले सेंसर में चला जाऊं, क्योंकि इसमें फ़ायदा पता क्या होता है, हम सब कुछ देख कर ना किसी के देखने के लिए कुछ नहीं छोड़ते। गुड जॉब, गुड जॉब। और हम कुछ सिक्वेंसेस ऐसे होते हैं वो हम बार बार चला के देखते हैं क्योंकि समझ में नहीं आ रहे होते, उसको फिर मुख्तलिफ एंगल से देखा जाता है बार। यहाँ पर जो है मैं अभी ड्रेसिस में मैं देख रहा था कि ड्रेसिस के भी कुछ अवार्ड्स हैं आई थिंक, तो अब यहाँ पर मैं देखा मुझे अभी बीजी भी नज़र आई थी, खूबसूरत ड्रेसेस बनाती हैं। लड़कियों में झगड़ा होता है इनके ड्रेसेस पर, कुछ भी हो, जनाजा हो, लड़के इनसे ड्रेस बनवाते हैं कि मैंने फला मैयत पे जाना है, प्लीज़ उस शख्सियत के हिसाब से बना दें। और बीजी जितनी मकबूल हो चुकी हैं ज़िंदा लोगों में, मुझे इनकी मकबूलियत से ख़तरा हो रहा है कि एक वक्त आएगा कि हमारे स्टार्स जो हैं ये जो कफन भी इनसे सिलवाएंगे और इनकी पब्लिसिटी भी आया करेगी। बीजी के कफन ठंडे, गर्मी से बचाएं, दोज़ख की आग से बचाएं, आपके गुनाहों को छुपाएं, बीजी के कफन। आजकल क्योंकि पाकिस्तान में गेम्स का भी बड़ा प्रॉब्लम है और जनाब हमारे जो शेख साहब हैं मेरे फेवरेट, वो इस वक्त स्पोर्ट्स के भी जनाब रुए रवा हैं, मिनिस्टर हैं। हॉकी टीम पे नज़रसानी करें सर। जब भी मैं पाकिस्तान की हॉकी टीम का नाम लेता हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाता है, पतले पतले काले काले। हमारी टीम मगरबी जर्मनी के सामने जाती है, ऐसा लगता खून का अतिया लेने के लिए आए। एक हॉकी हाथ में है, दो हॉकी नेकर में से निकली हुई है, तीन तीन हॉकियों से खेल रहे हैं, गोल नहीं कर रहे। एक जमाना था हमारी टीम ग्राउंड में उतरती थी, जीत जाती थी। रूना लैला यहाँ तशरीफ फरमाया, उनको देख के मुझे बांग्लादेश याद आ गया कि एक हमारी टीम उस ज़माने में खेलते थे अख्तर रसूल, मंजूर जूनियर, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, इस्लाहुद्दीन, हनीफ खान, हसन सरदार, ये वो प्लेयर्स थे जो ग्राउंड में उतरते थे, जीत जाते थे। बांग्लादेश से हमारा मैच हुआ, 25 गोल कर दिए। वो बंगाली कैप्टन रोने लगा, बोला भूत गुल हो गया है, 25 गुल भूत हो गया है, हमारे को इस बोत को गौम नहीं है कि 25 गुल हो गया है, हमारे को इस बोत का दुख है कि हम अल्लाह रसूल को वास्ता दिया, एक दफा गेंद नहीं दिया है। वो हमारी टीम की उस जमाने में खेलने का अंदाज था। उस वक्त हमारी टीम में एक करंट था, एक बिजली थी हमारी टीम में। जो कमेंट्री करता था तो वो पागल हो जाता था, उसके मुंह में फेफड़े आ जाते थे, इतनी टीम तेज खेलती थी, कमेंटेटर पागल हो जाता था। गेंद खूबसूरत मोहम्मद पाकिस्तान, गेंद खूबसूरत मोहम्मद खान के समोला, खूबसूरत पाकिस्तान की तरफ गेंद को लेकर चला, बहुत उम्दा पाकिस्तान, और पाकिस्तान को फिर हेड मिले, पाकिस्तान गेंद के करीब, पाकिस्तान के पास दिया हनीफ खान, खूबसूरत हसन सरदार, फिर वापस समीउल्लाह पे कलमुल्ला, अल्लाह बिस्मिल्लाह सुबहानल्लाह पे कलमुल्ला, कलमुल्ला पे समीउल्लाह पे कलमुल्ला, कलमुल्ला पे समीउल्लाह पे कलमुल्ला, खूबसूरत पाकिस्तान गेंद को लेकर हनीफ खान, बहुत सिल्वर भाई गेंद पे सलीम शेरवानी, ये किसने फेंका पानी राणा तुम्हारी शक्लों पे, समीउल्लाह पे पाकिस्तान गेंद को पोजीशन, और बहुत पाकिस्तान गेंद करके पोजीशन, हनीफ खान खूबसूरत पाकिस्तान समीउल्लाह अल्लाह बिस्मिल्लाह सुबहानल्लाह बिकलमला, कलमला बिस्मिल्ला मेरे चाय लेके समला बिकलमला, कलमला बिस्मिल्लाह समला बिकलमला मेरे जूते यहीं पे ले समला बिकलमला, कलमला बिस्मिल्लाह समला बिकलमला, कलमला बिस्मिल्लाह समला बिकलमला, कलमला बिस्मिल्लाह पाकिस्तान को लगाने पोजीशन में, खुशमान पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान के करीब, और ये पाकिस्तान पतलून छोड़ दीजिए समला बिकलमला पे भैया पलटून पे पीछे हो गया समला बिकलमला, कलमला बिस्मिल्लाह पतलून छोड़ समला बिकलमला पाकिस्तान को लगाने पोजीशन में, और ये खुशमान पाकिस्तान समला बिकलमला, कलमला बिस्मिल्लाह समला बिकलमला, कलमला बिस्मिल्लाह, दोनों खिलाड़ी खेल रहे हैं, बाकी टीम चाय पी रही है। और अब शेख साहब ज़रा जहमत कीजिएगा, अब मौजूदा टीम पे नज़र डालिएगा। अब कमेंटेटर जो है वो 15-15 मिनट के बाद टीम का नाम लेता है। गेंद इस वक्त जो है वो शबाज सीनियर के पास है, वो गेंद को लेके चले, उनसे चला नहीं जा रहा है, वो बैठ गए हैं, उनसे उठा नहीं जा रहा है, उन्होंने गेंद उठा के नेकर में छुपा लिया है, मैच रुक गया है। यकूब जिक्रिया ने बड़ी मिस्टेक की, अगर ये गेंद को ऊपर से घुमा के लाते, डी के टॉप पे रखते, हल्का सा पुश करते और गोलकीपर से कहते ज़रा इधर होना भाई, तो 100% गोल था। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अब आ रही है बेस्ट न्यू टैलेंट फीमेल। नॉमिनीज हैं जिया अली, फिल्म दीवाने तेरे प्यार के, निर्मा, कर्ज। मौत को बड़ी आजमाइश में डाल देंगे हम, वो सज्जू को जीने नहीं देगी तो मुराद अहमद पोया, हम सज्जू को मरने नहीं देंगे। सना फॉर फिल्म संगम। और ये वक्त इसलिए है कि ये नेक काम करते हुए अखबारों के लिए आपकी तस्वीरें। और अवार्ड देने के लिए हम दावत देंगे बेगम नीलो को। जिया अली फॉर दीवाने तेरे प्यार के। alaikum. First of all, I'm quite confused. I'm so sorry. I'm very thankful to my Allah first, and then my producer, my director, और जो भी साथ सब इस फिल्म में काम किया जिन्होंने. I'm very thankful. Thank you very much. Well, this is at least one star who is not grateful to Syed Noor. Ji. Best New Talent Male nominees are अरबाज खान, फिल्म दिल किसी का दोस्त नहीं. बाबा कहते हैं प्यार तो रब ने भी किया है, मगर मर्द जिंदगी में सिर्फ एक औरत की अमानत होता है. मोमी राणा, फिल्म दीवाने तेरे प्यार के. दीवाने तेरे प्यार के. सुशी, फिल्म वाह क्या बात है. और अवार्ड देने के लिए हम बुलाएंगे गॉर्जियस समीना पीरजादा को. And it goes to Momi Rana for film Deewane Tere Pyar Ke. Assalamu alaikum. Thank God. And after that, thank you, Mr. Noor, once again. Thank you, Ammi and Abu. And thank you very much, all of you. एक एचएसएन कॉलेज के स्कूल टीचर थे. उन्होंने फैसला किया कि मौसीकी करनी है. एक ही उन्होंने गाना गाया. कहा जाता है कि उस गाने की 50 लाख कैसेटें बिक चुकी हैं. अब तक हम सारे और डॉक्टर साहब भी उसमें शामिल हैं बिल्लो का घर ढूंढना चाहते हैं. तशरीफ लाते हैं. बहुत ही टैलेंटेड एक्टर भी हैं और अब तो कॉम्पेयर भी हैं, कंपोज़र भी हैं. अबरारुल हक. एक्टर नॉमिनीज आर इफ्जाल अहमद, फिल्म खुदा जाने. जब बहू ढूंढ रहे थे तो बेटा नहीं था, आज बहू सामने आई. गुलाम मोहिउद्दीन, फिल्म कर्ज. देख चुका हूं इस धंधे में कमाई अच्छी होती है. साउथ फिल्म दिल किसी का दोस्त नहीं. कदमों में कहा झील किनारे रहते हो, सुना रुबाब अच्छा बजाते हो और गाते भी अच्छा हो. जी सरकार को सुनने की. और अवार्ड देने के लिए आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर नदीम टू कम ऑन टू द स्टेज एंड डू द ऑनर्स. अवार्ड गोज टू साउथ पर फिल्म दिल किसी का दोस्त नहीं. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, उसके बाद मैं आप सबका शुक्र अदा करूँगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सोच रहा था कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन अब मुझे बहुत खुशी है। वो इसलिए है कि ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब जैसे मंझे हुए अदाकार, अफजाल अहमद साहब जैसे बड़े आर्टिस्ट, उन लोगों के बीच से मैंने ये अवार्ड लिया है। मेरे लिए एक और अवार्ड है। थैंक यू वेरी मच। Best Actress in Supporting Role nominees are लैला, फिल्म ड्रीम गर्ल। पैसों वैसों की भी जरूरत होगी, ये लो, घर मनी ऑर्डर कर देना। साइमा, फिल्म दिल किसी का दोस्त नहीं। सना फॉर फिल्म संगम। हा? प्यार भी शान से किया करते हैं। और अवार्ड देने के लिए हम दावत देंगे जावेद शेख साहब को कि वो स्टेज पे आएं और अवार्ड दें। एंड इट गोज टू साइमा फॉर फिल्म दिल किसी का दोस्त नहीं। सबसे पहले तो आप सबकी खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। नईम साहब ने मेरी इंडस्ट्री की एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली आर्टिस्ट के लिए अवार्ड लेने के लिए मुझे बुलाया। ये अवार्ड उन तक पहुँचेगा बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ये अवार्ड है बेस्ट डांसर के लिए, यानी कि 97 में किस हीरोइन ने सबसे अच्छे डांसेस पिक्चराइज करवाए। नॉमिनीज आर मीरा फॉर फिल्म यस बॉस, रीमा खुदा जाने, साइमा अगेन फॉर फिल्म दिल किसी का दोस्त नहीं। एंड इट गोज टू हु एल्स बट रीमा। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है बेस्ट डांसर का अवार्ड लेना। बहुत थैंकफुल हूँ मैं ज्यूरी की, बहुत मशकूर हूँ। कोरियोग्राफर का बहुत पार्टिसिपेशन होता है और ज़्यादा क्रेडिट उन्हीं को जाता है जो आर्टिस्ट इतना अच्छा डांस करवाते हैं। मेरे मैं इतना अच्छा डांस नहीं करती कि मुझे ये अवार्ड दे दिया गया, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने हमारे नाम बहुत रोशन किया हमारे मुल्क का। उनकी शायद पहली और आखिरी फिल्म जो थी पाकिस्तान के लिए मैडम शमीम आरा की पल दो पल थी। उस एक गाने की एक परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं और फिर अगले अनाउंस। परफॉर्मेंस कर रही हैं शाहिदा मिन्नी। One of the most awaited category, that is the award for the best director. Nominations are Syed Noor, Deewane Tere Pyar Ke, Deewane Tere Pyar Ke, Syed Noor Sangam, Osman Pirzada for film curse. मैं तो उसे भूल जाना चाहता हूँ। झूठ बोलता है तू। और अवार्ड देने के लिए मैं दरखास्त करता हूँ जनाब सजाद गुल साहब से कि वो तशरीफ लाएं। आइए। And it goes to सैयद नूर for दीवाने तेरे प्यार के। खुदा का शुक्र है कि आज मैं इस स्टेज पे बहैसियत डायरेक्टर ये अवार्ड हासिल कर सका। इस स्टेज तक आने में मुझे 25 साल लगे और इन 25 सालों में एक चेहरा मैं नहीं भूल सका जो मेरे उस्ताद का चेहरा है, एस सुलेमान। जिनके नक्शे कदम पे चलते हुए, जिनकी तकनीक को अपने अंदर लिए हुए मैं सफ़र करता रहा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जूरी का जिन्होंने मुझे इस अवार्ड का मुस्तहिक करार दिया। मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ इस स्टेज को और इस रौनक को हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए सजाने के लिए का जिन्होंने तदारक किया, राशिद ख्वाजा, नैफटैक। अवार्ड्स मिलते हैं, खुशी होती है, जिनको नहीं मिलते उनको अगले साल मिलेंगे, लेकिन अवार्ड हो तो रहे हैं, इस इंडस्ट्री को इज्जत तो मिल रही है। मैं एक बार फिर इस स्टेज पे खड़े होकर उन दोस्तों को चंद लफ्ज़ कहना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत एतराज़ात किए इस अवार्ड पर, जूरी पर, इस फंक्शन पर। खुदा गवाह है, मैंने प्रेस में भी कहा था कि ये अवार्ड अगर उस्मान पीरज़ादा साहब को दिया जाता तो मैं सबसे पहले उठकर ताली बजाता, इसलिए कि उस्मान पीरज़ादा मेरी इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं, पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई हैं। मेरे भाई को अवार्ड मिलता, एक पाकिस्तानी को अवार्ड मिलता, मेरी इंडस्ट्री के डायरेक्टर को अवार्ड मिलता। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर अच्छा इक़दाम हो रहा है तो उसको सराहना चाहिए, उसको बेजा तनकीद नहीं करनी चाहिए। एक बार फिर आप सबका शुक्रिया कि आपने मेरा हिस्सा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक हमारे पहले मैं दो तीन लोगों का शुक्र अदा कर दूं, बहुत से लोगों का हो गया। मुसरत मिसबा का जिन्होंने बहुत काविश की, बीजी का जिनके लिए अब हम सब कफन भी उनसे तैयार करवा रहे हैं। अगर उमर शरीफ की बात मानी जाए तो वो लेटेस्ट फैशन के कफन से इन दोनों ने बहुत कोऑर्डिनेशन किए, बहुत मेहनत की है और बहुत कुछ दिया है हमको। ये शो रिकॉर्ड हो रहा है सोलो फैंटेसी वर्ल्ड में, जहाँ डांसिंग फाउंटेन्स हैं। अगर आपको वक्त मिले तो यहाँ आके ज़रूर देखिएगा। एक मेरे बेटों की तरह हैं, वो बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं और मबून ने मुझे कहा कि अगर आप मुझे अब नहीं बुलाओगे तो मैं बहुत खफा होऊंगा। तो मैं बच्चों को खफा नहीं कर सकता। बहुत ही वर्सेटाइल, बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट फ़ख्र आलम। तुझसे सच कह रहा हूँ कि तेरे बिन जीना दुश्वार है, कि तेरे बिन जीना दुश्वार है। जैसा भी हूँ मैं जानम तेरा हूँ, मैं आज तुझसे सच कह रहा हूँ कि तेरी आंखों में मेरा प्यार है, कि तेरी आंखों में मेरा प्यार है। फिल्म ऑफ 97 नॉमिनेशंस दीवाने तेरे प्यार के, कर्ज लौटा दूंगा तुझको मैं तोहफे तुम्हारे, वो यादें तुम्हारी, संगम, बादलों के पीछे छुप गया क्यों रूठ कर। और अवार्ड देने के लिए हम दरख्वास्त करेंगे जनाब यूसुफ खान साहब से कि वो आए और अवार्ड दें। बेस्ट फिल्म ऑफ 97 इज दीवाने तेरे प्यार के, सजाद गुल। शेख साहब, मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बिहाफ से मियां नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ, शेख रशीद साहब का मिनिस्टर फॉर कल्चर उनका शुक्रगुजार हूँ, सरदार आदिल साहब चेयरमैन नैफडेक कि उन्होंने ऐसी एक तकरीब मुनक़द की जो सिलसिला काफ़ी देर से बंद हो गया। थैंक यू जी। अब बारी है अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ 97। नॉमिनेशंस जिया अली फॉर दीवाने तेरे प्यार के, रीमा खुदा जाने, या तो तुम बहुत बड़े आदमी हो या बहुत छोटे, लेकिन हम ये सोचकर तुम्हें माफ कर देते हैं कि चूंटी। एंड रेशम फॉर फिल्म संगम। इंसानियत का रिश्ता, क्या ये जरूरी है सनी कि एक इंसान दूसरे इंसान को उसी वक्त मिले जब उसका उससे खून का रिश्ता हो, या फिर वो रिश्ता जो तुम्हारा। मैं दरख्वास्त करता हूँ वफाकी वजीर शेख रशीद साहब से कि वो तशरीफ लाएं स्टेज पे और ये अवार्ड दें। अवार्ड गोज टू रेशम। मैं शुक्र अदा करती हूँ अपने अल्लाह ताला का, अपने परवरदिगार का। एक आर्टिस्ट के लिए इससे ज़्यादा फ़ख्र की बात क्या हो सकती है कि उसकी परफॉर्मेंस के लिए उसको नेशनल अवार्ड, इतना बड़ा अवार्ड दिया जाए। मैं अपने जूरी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन लोगों ने मुझे इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया, अपने साथी फ़नकार, अपने टेक्नीशियंस, जिन लोगों ने हर कदम पर मेरी हौसला अफजाई की, क्योंकि ये मेरी पहली फ़िल्म थी और मेरे फ़न का सफ़र अगरचे ज़्यादा तवील तो नहीं है, लेकिन इसे रोशन और आसान तर बनाने में जिन लोगों ने मेरी मदद और रहनुमाई की है, मैं उन लोगों का नाम आज ज़रूर लूँगी। मेरी डिज़ाइनर बीजी मुसरत मिसबा जिन्होंने मेरा मेकअप किया, मिसेस नूर और सैयद नूर साहब का मैं इसलिए शुक्रिया अदा नहीं करूँगी क्योंकि लफ्ज़ हमेशा जज्बों से छोटे पड़ जाते हैं और ये अवार्ड तो मुझे मिल गया है, लेकिन आइंदा इस अवार्ड के मिलने के बाद मुझे उन तवक्कुआत पर पूरा उतरना है जो इस अवार्ड की सूरत में मुझसे वाबस्ता कर दी गई हैं और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन पर पूरा उतरूँ। ये आप सब लोगों की मोहब्बत है, ये फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे नाम रेशम मुझे मेरी फिल्म इंडस्ट्री ने दिया है, सब लोगों का प्यार है और मैं कोशिश करूँगी कि आइंदा भी। मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद रेशम के लिए। थैंक यू वेरी मच। मीरा अच्छे कामों में पैरवी करती हो तो जैसे मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उसकी भी पैरवी किया करो। नूर साहब की वही बात कि ये अवार्ड रेशम को नहीं पूरी फिल्म ट्रेड की हीरोइंस को मिला है और मुझे इसलिए ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है कि इस साल मुझे अवार्ड नहीं मिला। दुख तो है ही, लेकिन खुशी इस चीज़ की है कि मेरे अंदर एक और जज्बा हो गया आगे बढ़ने का, और ज़्यादा कोशिश करूँगी और अगले साल नहीं लेने दूँगी। मैं भी यही कोशिश करूँगी कि आइंदा भी आपको स्टेज पर, मेरी भी यही पूरी कोशिश होगी और अच्छी बात है कि कंपटीशन होगा तो सब लोग अच्छा काम कर सकेंगे और हम लोगों में जज्बा होगा कि ये नेशनल अवार्ड कोई और ना ले जा सके और अच्छी बात। नूर साहब आपको मस्का नहीं है, खुदा लंबी उम्र दे, बहुत ज़िंदगी दे और बहुत खुश हूँ कि आगे सारी फिल्में नूर साहब की मेरे साथ हैं। रेशम थैंक यू, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और मैं बहुत खुश हूँ कि रेशम को ये अवार्ड मिला। रेशम मेरी बहुत अच्छी दोस्त, वैसे मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आइंदा, वैसे मैंने कभी देखा नहीं है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री, रीमा हमारी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, मीरा है, उन्होंने स्टेज पे आके जिस तरह मुझे वेलकम किया है, मैं बहुत दोनों की शुक्रगुजार हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट साल ये अवार्ड मुझे मिले। इस साल तो नहीं ले सकी इंशाल्लाह नेक्स्ट अवार्ड मेरा होगा। ओके रीमा। ओके मीरा, आपको बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट डांसर। थैंक यू, थैंक यू। ये भी ऑनर है, डांस भी एक बहुत मुश्किल परफॉर्मेंस है। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे बेस्ट डांसर का अवार्ड भी मिल जाएगा, लेकिन जैसे मैं बड़ेपन का हमेशा मुजाहरा करती हूँ, मुझे यकीन था कि ये अवार्ड रेशम को मिलेगा, लेकिन फिर भी उसको विश करने, उसको बहुत सारी दुआएं देने और एक नए जज्बे के साथ मैं इस अवार्ड में आई और इंशाल्लाह हर साल आती रहूँगी, क्योंकि मैंने हमेशा बड़ेपन का मुजाहरा किया, यही मेरे बड़ों ने मुझे सिखाया। थैंक यू। ओके, एक छोटा सा 3 लाइनों की एक बात कहूँगी कि मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। थैंक यू। Award for the Best Actor of 97 nominations, Babar Ali for Curse. उसके चाहने वालों में मेरा नाम भी तो आता है। अरे कन्नू भैया। मोमी राना for film दीवाने तेरे प्यार के। दीवाने तेरे प्यार के। And Shan for film Sangam. मेरा सिला फट जाएगा डॉक्टर, मैं मर जाऊंगा। अरे कोई है, अरे कोई है, कोई तो से रोके, कोई 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 तो से रोके। And it goes to Shan for film Sangam. सबसे पहले तो मैं अपने बड़ों को सबको सलाम कहता हूँ, जो मुझसे बड़े हैं काम में भी और उम्र में भी। आज मुझे अपनी सारी इंडस्ट्री यहाँ पे इकट्ठी देख के बहुत खुशी हुई है, क्योंकि पिछले 9 साल के करियर में मैंने नहीं देखा है कोई इकट्ठे। अगर देखा होता तो शायद हम पे कोई ऐसा एलिगेशन ना लगता कि हमारी फिल्मों के मुक्कों की आवाज़ ठीक नहीं है। नदीम साहब, आपने हमारी रिसेंट फिल्में नहीं देखी, उनमें मुक्कों की आवाज़ बदल गई है। और मुझे इस मुकाम पे खड़ा देख के आज जितनी खुशी मेरे माय टीम, माय डायरेक्टर, माय हीरोइन हु हैज़ परफॉर्म्ड विद मी वेरी वेल। फॉरगिव मी इफ आई कैन नॉट स्पीक बिकॉज समटाइम्स इमोशंस टेक ओवर वर्ड्स एंड दिस आई कोट इज अ मोमेंट वेयर माय इमोशंस हैव टेकन ओवर माय वर्ड्स। आप सब से मेरी यही गुजारिश है कि आप, आई रियली अप्रिशिएट समीना पीरजादा फॉर कमिंग इन टू फिल्म्स। उन्होंने फिल्म में आने का ऐलान किया, फिल्म शुरू की, फिल्म बनाई, मुझे बहुत खुशी है इसलिए कि अब ये हम पे तनकीद कर सकती हैं, हमारे ख़ानदान पे उंगली उठा सकती हैं। मेरी इंडस्ट्री मेरा ख़ानदान है, इसमें ख़ानदान का फ़र्द इस पे तनकीद कर सकता है। जिसने इस इंडस्ट्री से कोई रिश्ता मुंसलिक नहीं किया है, अगर वो इसे कहेगा तो वो हमारे लिए गाली है। अच्छी हैं, बुरी हैं, जैसी भी हैं, हम बना रहे हैं।